इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको स्वागत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा दी गई इस ईपोस एंड्रॉइड डिवाइस की मदद से हम कैसे रेशन वितरण कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये है ईपोस डिवाइस और इसके साथ हमें एक चार्जर भी मिलता है। और एक यूएसबी प्लग के साथ आता है। आइए इसके फीचर देखते हैं। डिवाइस के आगे तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है। डिवाइस के दाएं तरफ ये कार्ड स्वाइप करने के लिए है। इसको हम ऐसे कार्ड स्वाइप कर सकते हैं अथवा ऐसे इसको डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। और डिवाइस के दाएं तरफ हमें मिलता है आवाज़ के लिए बटन्स, जो कि हम ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। और ये है पावर बटन और यह है यूएसबी पोर्ट आइरिस डिवाइस एंड तोड़ने की मशीन कनेक्ट करने के लिए। और ये है चार्जिंग पोर्ट और ये है एंटेना डिवाइस के अंदर सिम कार्ड का नेटवर्क आने के लिए। डिवाइस के पिछले हिस्से में हमें मिलता है फ्लैश लाइट, कैमरा और ऑडियो स्पीकर। आइए देखें सिम कार्ड कैसे लगाते हैं। डिवाइस को खोलने के लिए इस बटन को बस ऐसे करना है, फिर हम यहाँ पर सिम कार्ड डाल सकते हैं। इस तरह से हमें दोनों सिम कार्ड डालने हैं। फिर बैटरी को ऐसे रख के इसको बंद करना है। अभी हम जानेंगे डिवाइस में पेपर रोल कैसे लगाना है। अपनी दोनों उंगलियों को थोड़ा सा यहाँ से दबा के इसको निकालना है और ये है थर्मल पेपर रोल, इसको ऐसे लगाना है। इसकी एक तरफ ही हम प्रिंट कर सकते हैं, ये थर्मल पेपर रोल है। इसको ऐसे लगाने के बाद हम बंद कर सकते हैं। और जब हम लाभार्थियों को उसका रसीद देते हैं, इसको ऐसे फाड़ के दे सकते हैं। आइए देखें डिवाइस को चार्ज कैसे करें। इस डिवाइस के साथ ये हमें अडाप्टर चार्जर मिलता है। इस डिवाइस के साथ हमें बस यही अडाप्टर का इस्तेमाल करना है। अगर कोई दूसरे अडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो डिवाइस खराब होने के चांसेस है। यहाँ से डिवाइस का दिया हुआ पॉइंट में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये इंडिकेटर है कि आपका डिवाइस चार्ज हो रहा है। ये आइरिस डिवाइस है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए देखें। डिवाइस का पिन है, इसको कनेक्ट करने के लिए डिवाइस के चार्जिंग पॉइंट के पास टाइप सी का पोर्ट रहता है, हमें इसको ऐसे इंसर्ट करना है। जब हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर एक ब्लू लाइट जलती है और जब हमें कैप्चर करना होता है आइरिस को, हमें इसको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद इसको कैप्चर करने के
लिए देखना है और वो सिर्फ इतनी दूरी से ही देखनी है और अपनी आंखें ऐसे खुली रखनी है। अभी हम जानेंगे तोड़ने वाली मशीन के बारे में। ये हमारी तोड़ने वाली मशीन के साथ ये चार्जर प्लग है। जब हम इसको प्लग में लगाते हैं हमें यहाँ पर एक रेड लाइट दिखती है। तोड़ने वाली मशीन में ऑन ऑफ बटन, टेल बटन, जीरो बटन, मोड बटन एंड ब्राइट बटन होता है। यहाँ पर हम सामग्री रख सकते हैं तोड़ने के लिए। अभी इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी 50 किलोग्राम दिखा रही है, मतलब 50 किलोग्राम के अंदर ही हमें तोड़ना होता है। उसके बाद हम देखेंगे टेल बटन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। टेल बटन का उपयोग हम जब वजन मनापना हो तब भी उपयोग कर सकते हैं। गेहूं डालने से पहले जिस बोरी में भी हमें गेहूं नापना हो हम उसको पहले यहाँ पर डालकर उसको, ये 320 ग्राम है, किलोग्राम है, जिसको हम टेल दबाने से उसका शून्य हो जाता है। उसके बाद हम उस बोरी में गेहूं या फिर चावल कोई भी वजन ले सकते हैं। फिर आता है जीरो। जीरो का बटन हम कभी भी इसको जीरो शून्य करने से पहले जीरो का बटन हम उपयोग कर सकते हैं, तभी ये फिर से शून्य से ही शुरुआत होगी। मोड होता है सेटिंग्स के लिए और ब्राइट होता है ताकि ये थोड़ा और साफ नजर आए। तोड़ने वाली मशीन में एक तरफ लाभार्थी देख सकते हैं कि कितना वजन हो रहा है और एक तरफ डीलर भी देख सकता है ताकि सही से काम हो सके। और इसके साथ हमें मिलती है ये सीरियल पोर्ट। इसको हम जब तोड़ने वाली मशीन कुछ भी खराब होती है तो उसको रिपेयर करने वाले आने इंसान के साथ हमें ये यहाँ पर हमें जोड़ना होता है। और ये जब भी तोड़ने वाली मशीन खराब हो उसको ठीक करने में मदद करती है। उसके बाद हमें और एक केबल मिलता है जो कि है यूएसबी केबल। यूएसबी केबल को हम यहाँ पर लगाकर फोर्स डिवाइस से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम वजन माप सकें। आइए देखिए डिवाइस को कैसे शुरू करना है। ये है पावर बटन। यहाँ पर हमें 2 सेकंड के लिए इसको दबाए रखना है। अभी हमारा डिवाइस ऑन हो रहा है। ये डिवाइस विजन टेक द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। अभी हमारा डिवाइस शुरू हो गया है। आइए देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। हमें डिवाइस में यहाँ वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, फ्लैशलाइट, एरोप्लेन मोड एंड बैटरी सबर मिलता है। हम डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं इसको ऑन करके। हमारे डिवाइस में दोनों सिम कार्ड है। कोई भी एक सिम कार्ड का प्रयोग करके हम मोबाइल डाटा से डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं और हम ब्लूटूथ को ऑन या ऑफ करके कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम फ्लैशलाइट को ऑन करते हैं तो डिवाइस में फ्लैशलाइट ऑन होता है और एरोप्लेन मोड से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और जब बैटरी कम होता है चार्ज तो हम बैटरी सेवर को ऑन कर सकते हैं। जब हमारा डिवाइस कोई अपडेट या नोटिफिकेशन देता है हम इसको इसी लाइन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हमें समय दिख रहा है
और यहाँ पे हमें LTE मतलब 4G नेटवर्क है जो हमने सिम कार्ड डाला है, और यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज में है क्योंकि चार्जर कनेक्टेड है। और यहाँ हम सेटिंग्स पे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमें मिलती है वाईफाई लैन कनेक्शन, ऐप मार्केट, सेल्फ चेक, अपलोड लॉग, अपडेट नाउ एंड अबाउट POS। यहाँ पर क्लिक करने से हम डिवाइस के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। ये है पावर बटन, इसको छूने से आपको तीनों प्रणाली मिलती है, इमरजेंसी, पावर ऑफ, रिस्टार्ट। हम इमरजेंसी में क्लिक करने से ये इमरजेंसी नंबर पर कॉल जाएगा। अगर हम डिवाइस को ऑफ करना चाहते हैं हम पावर ऑफ बटन चूज कर सकते हैं। अगर हमें डिवाइस को रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। डिवाइस को यूज़ करने से पहले हमें मोबाइल डाटा का चेक करना पड़ेगा। अगर मोबाइल डाटा ऑफ है तो हम अगर RT सर्विस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये एरर दिखाई देगा कि ये रेडी नहीं है, इसीलिए हमें मोबाइल डाटा को ऑन करना है। ऑन होने के बाद हमें LTE इसका मतलब नेटवर्क 4G में चल रहा है। अभी अगर हम इनिशिएट पे क्लिक करते हैं तो RD सर्विस रेडी है, अभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आइरिस का RD सर्विस। यहाँ पे भी हम ये स्टेटस है डिवाइस डिसकनेक्टेड, तो यहाँ पे हम आइरिस को कनेक्ट करके देखते हैं। आइरिस को कनेक्ट करने के बाद इसमें ये ब्लू लाइट जलती है। अगर हमें इसको इनिशिएट करना है यहाँ पे हमें क्लिक करना है, लेकिन ये फेल हो रहा है क्योंकि ये डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे RD सर्विस नॉट रेडी है तो इस डिवाइस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जब हमें RD सर्विस रेडी आएगा तभी हम उस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए दिए गए डिवाइस का ही इस्तेमाल करें। डिवाइस के बारे में खुद से कुछ जानकारी जानने के लिए हम देखेंगे विजन टेक VA21 सेल्फ डायग। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा फीचर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये है ऑडियो, यहाँ पे हम प्ले ऑडियो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लो वॉल्यूम, मिड वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम भी कर सकते हैं। ये है बैटरी ऑप्शन, इसको छूने से हमें बैटरी का स्टेटस दिखता है। अभी ये कनेक्टेड है इसीलिए इसका स्टेटस चार्जिंग है, और बैटरी है 70%। ये है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ को हम ये अलाउ बटन क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। अगर हम डिसेबल करते हैं तो ब्लूटूथ हमारा ऑफ हो जाएगा। ये है कैमरा, कैमरा को क्लिक करने से हम किसी भी बैक कैमरा से फोटो खींच सकते हैं इस बटन का प्रयोग करके। और ये है GPRS, इससे हमें कौन सी नेटवर्क का यूज हो रहा है पता चलता है। और यहाँ पे हमें एरोप्लेन मोड डिसेबल्ड है, दोनों सिम कार्ड है, ऑपरेटर आइडिया है, और सिग्नल का स्ट्रेंथ, मोड, डेटा स्टेटस, CCID, IMEI कोड का जानकारी मिलता है। और ये है GPS, यहाँ से हमें लोकेशन का पता चलता है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन सी जगह की है पता चलता है। और ये है IFT, इससे हम कार्ड को स्कैन कर सकते हैं इस तरह से। ये प्रेजेंस सक्सेड है। इसके बाद देखते हैं इन्फो के, इसमें पूरी डिवाइस के जानकारी लिखी हुई है।
ये हमें पूरी इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देती है। ये है LCD, यहाँ पे हम कलर टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप ये रंग बदलता है, या फिर हम मल्टीपल इमेजेस में ऐसे छवि देख सकते हैं। हमें मिलता है MSR ऑप्शन, जो कि कार्ड स्वाइप करने की ऑप्शन देता है। यहाँ पे हमें ऐसे कार्ड स्वाइप करना है, उसके बाद हमें कार्ड की जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमें प्रिंटर की ऑप्शन मिलती है, जहाँ पे हम बारकोड, प्रिंट BMP, प्रिंट टेक्स्ट और प्रिंट HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें जानकारी मिले कि प्रिंटर ठीक से काम कर रहा है। और हमें RFID मिलती है। यहाँ पे टैप द कार्ड सक्सेस दिखा रहा है और हमें मिलती है SD कार्ड। अगर हम कोई SD कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइस में, तो यहाँ पे हमें इमेज, ऑडियो और वीडियोस की ऑप्शन मिलती है। और यह है USB केबल कनेक्ट करने की ऑप्शन, और यह है वाईफाई। अगर हम वाईफाई को ऑन रखते हैं तो सारे मौजूद नेटवर्क की लिस्ट हमें मिल जाती है। अगर हम वाईफाई को ऑफ करते हैं तो हम इसके कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें कैपेसिटिव FME फिंगरप्रिंट का एक सेंसर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम एनरोल करके अपनी फिंगर को यहाँ रख सकते हैं। अभी ये फिंगर डालने को बोलते हैं। तो ये एनरोल कंप्लीटेड, मतलब फिंगरप्रिंट ठीक से चल रहा है। अगर हमें ये आइडेंटिफाई करनी है तो दोबारा से वही फिंगर रख सकते हैं, मतलब फिंगर मैच है। यहाँ पर हम आइरिस डिवाइस की जानकारी ले सकते हैं। अभी आइरिस डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अगर हम आइरिस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर ब्लू लाइट जलती है। अगर हम इसको चेक करें तो अभी के लिए ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। ये डिवाइस कनेक्ट होने के बाद हमें डिवाइस का सीरियल नंबर मिल गया है। अगर हम दोबारा से इसको डिसकनेक्ट करते हैं तो फिर से डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखाता है। आइए देखते हैं UPPDS एप्लीकेशन के द्वारा लाभार्थियों को राशन कैसे वितरण करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमें खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की एक छवि दिख रही है। यहाँ पर हमें सेटिंग्स मिल रहा है और यहाँ पर हमें डीलर और नॉमिनी का नाम दिख रहा है। यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाकर इंग्लिश या हिंदी भाषा की चयन कर सकते हैं, और अपना नाम चुनाव के बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड, जो कि शॉप ID होता है, उसको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद हम इस आइकॉन पर क्लिक करके पासवर्ड की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हम ठीक पासवर्ड डाले हैं कि नहीं। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। प्रमाणित करें बटन पर क्लिक करके हमें सहमति लेनी चाहिए लाभार्थियों की। सहमति पर क्लिक करने के बाद कृपया अपनी उंगली सेंसर पर लगाएं। उंगली लगाएं सेंसर पर, जब तक वो दूसरी वाली बीप साउंड ना आ जाए उंगली को वहीं दबाए रखना है। अभी हम डैशबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। डैशबोर्ड पर हमें स्टॉक संचालन, बिक्री, रोलबैक लेनदेन, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स और लॉगआउट की ऑप्शन मिलती है। अभी हम देखेंगे राशन वितरण या फिर बिक्री कैसे करना है। यहाँ पर हमें संपर्क जोड़ने के लिए पूछा गया है, जो कि हमें तोलने की मशीन से ब्लूटूथ के द्वारा संपर्क जोड़ना है।
ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जोड़े पर क्लिक करें। यहाँ पर हमें डिवाइस की नंबर आ गई है। इसके बाद आगे वाले बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर राशन कार्ड कौन से प्रकार का है पूछा गया है। जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश से ही है उनके लिए उत्तर प्रदेश राज्य पीडीएस राशन का चयन करें। जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश से बाहर कोई दूसरे प्रदेश से हैं उनके लिए IMPDS राशन का चयन करें। अभी हम उत्तर प्रदेश राज्य पीडीएस राशन का चयन करते हैं। उसके बाद पुष्टि बटन पर क्लिक करें। जोहार, राशन कार्ड संख्या डालें। यहाँ पर लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर आपको डालना है। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद आगे बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर जो लाभार्थी अभी मौजूद है राशन मेले के लिए उनका नाम का चयन करें और आगे वाले बटन पर क्लिक करें। फिर से प्रमाणित करने के लिए हमें सहमति की जरूरत होगी लाभार्थियों की। कृपया अपनी उंगली अभी सेंसर अपनी पर लगाएं। सेंसर पर लगाएं दूसरे बीप साउंड तक। अभी हमें कौन सी खानदान चावल और गेहूं कौन सी मात्रा में लेनी है दिखाई दे रहा है। चावल 21 किलोग्राम और गेहूं 14 किलोग्राम दिखा रहा है। जब भी हम तोलने की मशीन से उसका तोलना नहीं करते हैं तभी ये पीले रंग का होता है। गेहूं को तोलने के लिए हमें 14 को क्लिक करना पड़ेगा, तभी हम तोलने की मशीन पर 14 किलो की सामग्री रख सकते हैं। तभी हम तोल को समान प्रकार से कर सकते हैं। ये करने के बाद जब योग्य मात्रा और वजन मात्रा समान हो हमें सही बटन पर क्लिक करना है। अभी हमारा गेहूं 14 किलो ही नाप हुआ है इसीलिए अब हरा रंग का दिखा रहा है। चावल का नाप लेने के लिए 21 पर क्लिक करें। अभी हम वजन 21 किलो ही रख सकते हैं। जब योग्य मात्रा और वजन मात्रा समान हो सही पर क्लिक करें। अभी ये 21 किलो है इसीलिए हरा रंग का बदल गया है। अभी दोबारा इसको देखने के लिए देखे बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर रसीद निकालने के लिए हाँ पर क्लिक करें। लेन देन पर कार्रवाई लेन देन रसीद मुद्रित की जा रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। रिसीप्ट को जरूर लाभार्थियों को प्रदान करें। अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक में रखे गए सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करें। अगर तभी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें जो कि है 9-7-4-2-2-7-5-4-4-4। धन्यवाद। आशा करती हूँ डिवाइस की जानकारी आपको समझ आ गई होगी। जानकारी लेने के लिए धन्यवाद।